इस वक्त हम घोष परिवार के साथ हैं और इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। कहा जा सकता है कि क्लाउड नाइन पे हैं ये और काफी टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हैं। उसका रीजन भी है, उसका कारण भी है। कारण ये है कि इनकी इकलौती बेटी जो पीएचडी करने गई थी इजराइल, वो वापस लौट आई है। ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली में लैंड कर चुकी है और ये पूरा परिवार खुश है। जो इस्कॉन के ये लोग मेंबर हैं और अब ये फूले नहीं समा रहे हैं, साफ तौर से इनके चेहरों को पढ़ा जा सकता है कि कितने खुश हैं। काफी तनाव में इनका वक्त गुजरा है, जब से वहां पे जो है कन्फ्लिक्ट और युद्ध चालू हुआ था उसके बाद से रातों की नींद इनकी उड़ गई थी और दिन का चैन भी हराम हो गया था। इस वक्त विश्वजीत घोष जी हमारे साथ, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विश्वजीत जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, बेटी से कितना बार संपर्क हो पाता था, क्या फीलिंग उसने बताया? हालांकि वो दिल्ली लैंड की है, वहां रुक गई है, रांची अभी तक वापस नहीं आई है, लेकिन फिर भी कितना खुश हैं आप लोग, किस तरह से इजहार करते हैं, किसका धन्यवाद करते हैं? धन्यवाद क्या बोलिएगा, तो सबसे पहले हम मोदी जी को या एस जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कि सबसे बड़ा काम यही किए कि उन लोगों को एयरलिफ्ट करके इंडिया मंगाए, तो इससे बड़ा और इससे खुशी का चीज कोई हो ही नहीं सकता था। नहीं तो हम लोग जैसा साधारण आदमी इजराइल से बेटी को मंगाने के लिए ही भी बहुत दिक्कत था, और कम से कम इस सिचुएशन में तो किसी हालत में हम उनको नहीं बुला सकते थे। अच्छा, ये जब से युद्ध शुरू हुआ आप लोग कितना चिंतित थे, बेटी से संपर्क हो पाता था? चिंतित तो देखिए, किसी का भी संतान है तो उनको तो भाई, और मेरी इकलौती बेटी है तो वही हमारा सहारा है, उसी से सारा कुछ है। अगर उसके लिए बहुत चिंता होती थी, उसका मदर तो और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी, चिंता में। चूंकि हम लोग कृष्ण भावना में से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ने लगते थे या जप करने लगते थे, तो उसे हम लोग को बहुत रात को नींद आती थी। रात को तो परफेक्टली एकदम पूरा कंटिन्यूअस नींद नहीं आती थी, बीच बीच में उठ जाते थे, फिर जप करने लगते थे, फिर थोड़ा सो गए, तो बहुत ज्यादा ही एकदम टेंशन था। लेकिन बेटी से बात होती थी लगातार? नहीं, लगातार बात नहीं हो पाती थी, इसलिए हम लोग भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे, कि वो भी बहुत डिस्टर्ब रहती थी, कभी कभी बम का धमाका वो सुन ली तो दिक्कत हुआ, लेकिन वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। खाली सायरन बजने से उन लोग को बंकर में जाना पड़ता था, फिर जब सायरन बंद हो गया फिर 10-15 मिनट बाद निकल जाती थी, लेकिन एक टेंशन का माहौल था। मतलब युद्ध है, बेचैनी हमेशा बना रहता था कि कब सायरन, हमेशा बने रहता था, और युद्ध है, कहाँ क्या अटैक हो जाएगा ये कहना बड़ी क्या बोलते आपसे जब बात हुआ, कितना बार बात हुआ इस दरमियान? बात होता था कभी कभी सुबह में, दोपहर में, फ्रीक्वेंट नहीं होता था लेकिन होता था। कभी कभी वो रिसीव भी नहीं करती थी, टेंशन माहौल में रहती थी, तो तनाव होता होगा। तनाव होता जब 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 वो रिसीव नहीं करती थी, बहुत ज्यादा तनाव होता था, लेकिन उसमें एक हिम्मत था, साहस था। क्या बोलती थी आप लोग को? बोलते थे पापा जैसे होगा आप लोग चिंता मत कीजिए। वो हम लोग को ढाढ़स बंधाते रहती थी ताकि हम लोग नर्वस नहीं हो। वहाँ सिचुएशन तो अब वार का सिचुएशन है, वैसे जहां तेल अबीब यूनिवर्सिटी में, तेल अबीब सिटी में थी, वहां बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि वो बहुत हाई सिक्योरिटी थी। और सबसे ज्यादा हम मोबिलाइज हैं इस काम से कि उसका जो सुपरवाइजर है पीआई इफ्ताक नचमन, वो बहुत कॉपरेट किए, उनका बेटी का हर समय खबर लेते रहे। कभी कभी इस सिचुएशन में भी आके उससे भेंट करती थी। और एक ईभा मैडम है, वो भी साइंटिस्ट है, रिटायर्ड है, वो भी बराबर खबर लेते रही, वो बराबर कनेक्शन में रही। और क्या चीज में पीएचडी करने गई थी बेटी? बेटी तो अभी काम कर रही है स्टेम सेल्स में, एक्चुअल लाइफ साइंस का डेवलपमेंटल बायोलॉजी में काम कर रही है। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में काम, रिसर्च और पीएचडी कर रही है। हाँ, पीएचडी में वो हार्ट का काम कर रही है अभी। अच्छा, और बहुत अच्छा, वहाँ का टेक्नोलॉजी, वहाँ का साइंस बहुत अच्छा है। बेटी वहाँ जाके, इससे पहले वो हम लोग इंडिया में हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में काम की है, तो यहाँ से भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है वहाँ,
वहाँ जो मशीन सब वो ऑपरेट कर रही है वो इंडिया में नहीं। हमेशा सरकार से मदद कुछ स्पॉन्सर मिलते रहा? हाँ, हम लोग को झारखंड सरकार से हमको बराबर मदद मिलता रहा। पर्सनली बोलिएगा तो बाबूलाल मरांडी जी हमको पर्सनली बहुत सहायता किए, हर तरह से, हर लेवल से, वो मेंटली बोलिए या फाइनेंशियली बोलिए। ठीक है, तो ये बताइए कि आज जब सुबह खबर मिला कि ऑपरेशन मतलब वो लैंड कर गई है धरती पे भारत के, तब कितना तब तो आपको हम बयां नहीं कर सकते हैं उस खुशी का। खुशी में हम लोग का सबका आंसू आ गया, खूब रोने लगे। बेटी से फोन में बात हुई तो बात नहीं कर पाए हम लोग एक दूसरे से, माने इतना आनंद आने लगा। बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब ऑपरेशन अजय के तहत उनको रेस्क्यू करके लाया गया, दिल्ली लैंड कर गई विनीता, तो खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं हुआ और रहा, और खुशी के आंसू जो है वो गिरने लगे फोन पे, एक दूसरे से बाप और बेटी बात तक नहीं कर पाए, इतने इमोशनल हो गए थे दोनों के दोनों लोग। और इस वक्त माता हैं रूपा घोष, उनसे भी बातचीत करते हैं। माता, आपसे बात होता था कि नहीं बेटी का? हमको कम, एकदम कम बात होता था। एकदम कम बात होता था, रोने लगती थी इसलिए बात कुछ। हम बेटी का आवाज सुनने हमको आंख में आंसू आ जाता था, आंसू आ जाता था। हाँ, खाली यही बात ही हम बोलते थे, तुम खाना खाए बनाए, वो तो हमको कुछ नहीं बोलते, हमको बहुत बीमारी है इसलिए कुछ नहीं बोलते, कुछ माँ को कुछ हो जाए कुछ समय, तो इसलिए ना उसको पापा से बात होता है। तो जब उसको पापा से बात होता है तो हम थोड़ा सा एकदम चुपचाप सुनते रहते हैं, जे आवाज आए कि नहीं मेरा कान में, जे क्या बोल रहा है ये लोग। रात को कुछ में फोन, बहुत रात को फोन आ जाता है तो हम चुप करके सुनते थे जे क्या बात हो रहा है ये लोग को। अच्छा, काल को तो, काल तो जो अब सुने हैं इसको टिकट कैंसिल हो गया, तो हमको तो मैंने लगता है काटने में से खून नहीं आएगा, ऐसा हाल हो गया। टिकट कैंसिल हो गया तो कैसे आ जाएगा ये? हाँ। कुछ हम इसको तंग करते हैं, थोड़ा सा बेटी को फोन कीजिए कुछ, कि बेटी उधर से फोन नहीं उठा रहा है, हमको और धड़कन बढ़ जाता है। तब तक यहाँ ये मिल गया यहाँ। हाँ, तब तक इसको जब बात हो रहा है 12 बजे, तो ये कैसे हो गया ये जोर से बोले है, तो हमको लगता है वहां पर कोई दुर्घटना हो गया इसलिए इसे इतना जोर से अचानक रात 12 बजे इसे बोल दिए। फिर बोले कि ये तो भगवान का ये है, तब हमको मन ये लगा जे नहीं कोई अच्छा खबर है, अच्छा खबर है। तब इसको हम पूछे है क्या हुआ, बोले नहीं बेटी प्लेन में बैठ गया है। तो अच्छा लग रहा है उस समय रात को आनंद से नहीं। अब यहाँ तो वापस जाने देंगे अभी? हमको तो पहले से ही नहीं देना चाहते थे, ये लोग का डिसीजन है, हमको डिसीजन नहीं है। हम तो पहले बिजनेस में थे, कॉन्ट्रेक्टर थे CPWD में, लेकिन अब हम रिटायर लाइफ जी रहे हैं और भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण नाम का प्रचार। बेटी अब वापस जाए वहाँ? हाँ, जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। इसलिए जाएगी कि वहाँ इसराइल का जो कल्चर देखी, वहाँ का लोगों का जो डेडिकेशन देखा, उसको बहुत पसंद आया और बोलता है वहीं से हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए। और वो PhD करके या पोस्टडॉक, उसका आगे का पढ़ाई है, अगर वो भी करना चाहेगी तो हम उसको जरूर करवाएंगे। और वो भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि वो देश में आके, झारखंड में आके, झारखंड के लिए कुछ करे। धन्यवाद सर। तो साफ तौर से इनका कहना है कि बेशक सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगा तो दोबारा भी इसराइल भेजेंगे, और इनकी बेटी के हौसले भी उतने ही बुलंद हैं। वो कहती हैं कि वहां से पढ़ के वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो पढ़ाई अपना पूरा करेंगी, झारखंड के लिए भी कुछ करना चाहती हैं। माँ और पिता दोनों ने मुश्किल समय काटा है। माँ का साफ तौर से कहना है कि कल जब ये खबर आई कि उसका टिकट कैंसिल हो चुका है, उनकी बेटी का टिकट कैंसिल हो चुका है, तो बिल्कुल ये परिवार निराश हो चुका था, लेकिन जब ये खबर मिली कि उसने फ्लाइट बोर्ड कर लिया है, तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं था और बेहद खुश हो गए। अब जो है परिवार खुश है कि बेटी यहां लैंड कर चुकी है, आगे भी वो पढ़ाना चाहते हैं, इसराइल वापस भेजेंगे, और वहां जब वो अपना कोर्स पूरा करेगी, PhD पूरा करेगी, तो देश के लिए विनीता कुछ करना चाहती है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।